एक्सपीरियंस रहा? ठीक अच्छा रहा, ठीक है अच्छा रहा। लेकिन आपका भी ठीक रहा, स्टाफ भी पूरा। आपको देख के ऐसा लग नहीं रहा कि ये पट्टी से कोई बता सकता है कि आपकी सर्जरी हुई है? नहीं तो कोई नहीं बता सकता। ये सर मैंने बहुत कम पेशेंट्स को देखा है कि इस एज में आए थे, आज भी आए, अभी बता। हाँ नहीं, सी इज वेरी सिंसियर, सी इज वेरी सिंसियर। अच्छा है, नहीं नहीं अच्छा है सर, होना चाहिए। हमारा निर्णय ठीक रहा, आपका निर्णय ठीक रहा। आज हमारे साथ हैं बालकृष्ण शास्त्री जी, जो जिन्होंने कल हमारे हॉस्पिटल में ईयर सर्जरी कराई है। तो आइए सर से ही जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन भी तरीके से हुआ, सभी स्टाफ का व्यवहार भी अच्छा रहा, और ऊपर से लेकर के नीचे तक सभी स्टाफ और ये खाद्य विभाग की महिलाएं हैं वो भी आकर के पूरी बात जानकारी एकदम समझा करके और बताई थी। और भी और प्रॉब्लम थी उनके विषय में भी इन्होंने अच्छी जानकारी दी। इसके लिए ये हॉस्पिटल और पूरा परिवार धन्यवाद का पात्र। सर की एज क्या है? 68। सो फ्रेंड्स, जो हमारे सर हैं इनकी 67 में हमने इनका ईयर सर्जरी किया है। एंड बेसिकली हम एक लोगों में एक मिथ होता है कि बहुत सारे इसमें सबसे मेन, तो मैंने बहुत रेयर ऐसे पेशेंट देखे हैं जो इतने इन 67 में, मेरे को लगता नहीं कि आज 22 साल का आदमी पे भी इतनी जो है फेस पे इनके कोई नेगेटिव एटीट्यूड नहीं है। पहली बात तो बहुत सारे पेशेंट मैंने देखे हैं सर 25 में भी वो रोते रहते हैं, बट ही इज़ पॉजिटिव पर्सन। इनके पॉजिटिव है, इन्होंने कहीं पे भी ये भी नहीं पूछा कि सर मेरा क्या रिजल्ट होगा या क्या है। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी हम सर्जरी कराते हैं तो एक तो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए एंड पेशेंट फिट। एंड बहुत बार क्या है कि कई डॉक्टर्स के पास भी दोस्तों पेशेंट जाते हैं एंड उनका अगर मान लो 50 ईयर भी है तो कि नहीं इस एज में क्या कराओगे, ये गलत है। एज देर इज, एज इज नो बार, पेशेंट शुड बी फिट, पेशेंट पॉजिटिव होना चाहिए जैसे सर है, ठीक है ना। एंड इनका जैसे ईयर के अंदर जो है वो डिक्रीज हियरिंग था, ईयर ड्रम चिपका हुआ था, हमने कल सर्जरी की एंड आज बिल्कुल डिस्चार्ज करें। इनफैक्ट ये रात को भी ऐसा जाने लायक थे बट ये अपनी मर्जी से रुके हैं कि ठीक है मैं। सो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। एंड ईयर सर्जरी के बाद जैसे हम करके एंड दूसरे दिन मॉर्निंग में पेशेंट को भेज सकते हैं, अब सर अपना नॉर्मल सारा काम कर सकते हैं। बस थोड़ा सा खाने पीने का रहता है कि जिसकी जो पार्टिकुलरली डाइट जैसे वो ले रहे थे, कुछ जैसे कुछ लोगों को शौक होता है नॉन वेज वगैरह का, वो अभी नहीं लेना होता है, हार्ड चबाने की चीज़ें नहीं लेनी होती है। बाकी रूटीन जो है वो और सब कुछ अपना काम कर सकते हैं, वॉक करना, टीवी देखना। एंड आपका सर कैसा एक्सपीरियंस रहा? ठीक अच्छा रहा, ठीक है अच्छा रहा। लेकिन भी ठीक रहा, स्टाफ भी पूरा। आपको देख के ऐसा लग नहीं रहा कि ये पट्टी से कोई बता सकता है कि आपकी सर्जरी हुई है? नहीं तो कोई नहीं बता सकता। ये सर मैंने बहुत कम पेशेंट्स को देखा है कि इस एज में आए थे, आज भी आए, अभी बता। हाँ नहीं, सी इज वेरी सिंसियर, सी इज वेरी सिंसियर। स्टाफ अच्छा है? नहीं नहीं अच्छा है सर, होना चाहिए। हमारा निर्णय ठीक रहा, आपका निर्णय ठीक रहा। नहीं नहीं दिखाना चाहिए। मैं मेरे जितने भी पेशेंट्स होते हैं सर उनको यही बोलता हूँ कि आप एक बार जो मैंने बताया दूसरे डॉक्टर को भी दिखाओ, देन हम कंपेयर तो जब भी कर पाएंगे दो चीजों के अंदर। मणिपाल वाले जो डॉक्टर थे बहुत अच्छा बताया था, बोले नहीं आप तो मस्त। आपने सही डिसीजन लिया। ये जो आपकी लाख रुपए की बात जो है ना, एक सबसे इम्पोर्टेंट है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। सर ने क्या किया, ये आए पता लगाया करे जगह, अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड होता ना तो वो भी नहीं करा सकते, कोई नहीं कर सकता।